चाबी तेरे पास है, जेब में रख ले। छह नंबर तुम लग ले, पीछे से ले लीजिए। जय हिंद। पहुंच रहे हैं नरेश अग्रवाल जी के यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक नरेश अग्रवाल जी के घर की बात है, सुबह सुबह कुछ देशभक्त वहाँ पर और आ गए और उनकी वजह से उन नरेश अग्रवाल के घर को शायद छावनी बना दिया गया है एक तरीके से। बिल्कुल भी ना कहीं निकलने की जगह है और किसी भी तरीके से घुसने नहीं दिया जा रहा है। प्रयास अभी भी जारी है, अभी भी मैं ऑटो में हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके का बयान दिया गया है, मैं आज अगर मुझे नहीं जाने दिया गया तो कल, कल नहीं जाने दिया गया तो परसों, लेकिन इस तरीके से ये मुझे रोक नहीं सकते। चलो इनके पीछे ले लो, कोई बात नहीं, इनके पीछे ले लो। लेकिन इस तरीके की जो घटिया हरकतें हैं, इस पर कम से कम दीपक शर्मा तो चुप नहीं बैठेगा। कल से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से मैंने कल से इस बात को ओपन नहीं किया और आज फिर सिर्फ चार ही लोग आए हैं। यह भी एक बात है कि सिर्फ चार ही लोग आए हैं, आज फिर वहां पर चार ही शेर दिखेंगे। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि जिस तरीके से आज अगर ये लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं पर आवाज उठा लेते हैं, उसकी बड़ी वजह इनकी ताकत नहीं, हमारी नपुंसकता है। हम चल रहे हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई है मुझे, मेरी ऑटो है मेरे पास और मैं ये बोर्ड लगाना चाहता हूँ नरेश अग्रवाल के घर पे। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं ये बोर्ड लगाना चाहता हूँ और ये कहाँ तक इसमें मैं सफल रहूँगा ये तो अब आने वाले 4 से 5 मिनट बताएंगे। लेकिन जो मुझे देखने को मिला, मैं एक बार राउंड लगा के आया वहाँ पर, तो पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया है उनके घर को। चारों तरफ से पुलिस का घेरा और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया है और इस तरीके के लोगों के, खैर राज्यसभा सांसद हैं, मैं इस पर तो खैर क्या उंगली उठाऊं, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं तो इससे तो उन्हें जो सिक्योरिटी मिली है उससे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अभी शायद हम तुगलक लेन की तरफ मुड़ रहे हैं, आप देख सकेंगे सामने से, और ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से सामने सिक्योरिटी बैठी हुई है। चलो चलो, ये जो पुलिस वाला खड़ा है यहीं पे रोकना, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान थोड़ा खड़ा है, थोड़ा और आगे लो, ये ले पकड़ भाई, थोड़ा और आगे, बस यहीं पे रोको, वो थी मेरा फोन भी।